हे फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल रिपेयर एकेडमी। फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है और मैं आपके लिए आईफोन रिपेयरिंग के नए नए टॉपिक्स लेके आता हूँ, नई नई नॉलेज लेके आता हूँ जो आपकी डे टू डे लाइफ में आपको अपडेट करेंगी, नए नए ग्रोथ के सोर्सेज बनाएगी और आपकी इनकम को बढ़ाएगी। तो आइए, आज हमारा टॉपिक है कि अगर आपके आईफोन में कहीं शॉर्टिंग आ जाती है तो थर्मल कैमरे पे हमने पिछली वीडियो बनाई थी कि थर्मल कैमरे में आपने शॉर्टिंग को कैसे डिटेक्ट करना है, पर आज हम बात करेंगे विच मेथड इज़ बेस्ट। अगर आपके पास थर्मल कैमरा नहीं है तो एक तो मेथड है हमारा फ्रीज स्प्रे का और एक हमारा मेथड है शॉर्टिंग फाइंड करने का, रोजन का। तो आज हम बात करेंगे ये दोनों में से कौन कहाँ सक्सेसफुल है और क्यों सक्सेसफुल है। तो अभी मेरे पास एक 11 पड़ा है, ये माइनस ही शॉर्टिंग में है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने अपने 11 में से शॉर्टिंग आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे है और कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। तो पहले तो अगर आपके पास कोई सेट शॉर्टिंग में आता है तो आप फ्रीज स्प्रे वाला अगर मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपने अपने मदरबोर्ड पे सारे पे फ्रीज स्प्रे लगा देना है अच्छे से। ये देखिए, ये देखिए आपका सारा सेट जम चुका है। तो अभी मैंने इसको चलाया तो जहाँ पे भी शॉर्टिंग होएगी तो वहाँ पे फ्री स्प्रे अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए सारा सेट आपका फ्रीज हुआ पड़ा इस टाइम। ये देखिए यहाँ पे आपकी शॉर्टिंग एकदम से पूरा फ्री स्प्रे ख़त्म हो गया ये वाले आईसी पे। तो हमारा अभी इस वाले आईसी में फॉल्ट है। तो फ्री स्प्रे वर्सेस रोजन, इसमें फ़र्क क्या है? रोजन हमारा जब भी यूज़ होता है, कभी मेजर शॉर्टिंग आती है या आपका फुल शॉट होता है वहाँ पे रोजन वर्क करता है। अगर आपकी माइनर शॉटिंग आती है किसी भी जगह पे तो उस टाइम पे आपका रोजन वर्क नहीं करता। तो अभी ये हमारे पास सेम सेट है, इसी पे हम आपको रोजन लगा के वही सेम मेथड से करके दिखाएंगे, पर आप देखना कि इस इतनी माइनर जो शॉटिंग आती है ये रोजन कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो आइए अभी हम पहले इस सेट को अच्छे से रोजन लगाते हैं। तो रोजन लगाने का तरीका क्या है, ये हमारी रोजन है तो इसको मतलब हमने अपने आयरन को रोजन में डिप करना है तो उस टाइम पे ये स्मोक छोड़ेगा, तो वो स्मोक को आपने अपने सारे सेट पे लगा देना है। ये देखिए, ये देखिए अभी हमने अपने सारे सेट को रोजन लगा दिया है। तो अभी हम अपने आईफोन को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखिए अभी हमने अपनी पावर सप्लाई को रोजन के साथ पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दिया है अपने मदरबोर्ड के साथ। तो इसमें इस मदरबोर्ड में शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा माइनर है, तो ये रोजन अगर तो इसमें शॉर्टिंग बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा होती या ये फुल शॉर्ट होता तो इसने ऑटोमेटिकली अपना सारा स्मोक ख़त्म कर देना था। तो अभी इसमें शॉर्टिंग बहुत माइनर है तो ये रोजन अभी अपनी शॉर्टिंग डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो रोजन हमारा वहीं पे काम करता है जहां हमारी शॉर्टिंग थोड़ी ज़्यादा होती है या हमारा सेट फुल शॉट होता है। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको पता ही नहीं है माइनर शॉटिंग अपनी सप्लाई पे कैसे चेक करनी है या फुल शॉटिंग क्या होती है, या आपको पूरी डिटेल या बिल्कुल माइनर भी नॉलेज नहीं है, बस अपना सेटअप खोल लेते हो, बंद कर लेते हो, कैमरा डिस्प्ले चार्जिंग या ऐसी चीज़ें चेंज कर लेते हो और आपको आगे बहुत कुछ सीखना है आईफोन रिपेयरिंग में, तो आप मेरे आईफोन ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, मेरी वेबसाइट www.mobilerepairacademy.com।
और अगर आप कुछ और टॉपिक पे चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, तो मैं डेफिनेटली इस टॉपिक पे आपके लिए वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए लव यू ऑल।